हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी अर्निंग किंग। देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करिए फ्रेंड, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जो आपको ग्रैंड लीग जितवा सकता है। प्राइम टीम खुद की प्रेडिक्शन देता हूँ, साथ ही आपको सजेशन देता हूँ कि कौन सा प्लेयर लें और कौन सा प्लेयर ना लें, ग्रैंड लीग की टीम कैसे बनाते हैं, सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। और आपको पता होगा यदि हमारे टेलीग्राम चैनल से आप सब्सक्राइब किए होंगे तो, जो वीडियो के लिंक है डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, किंग ऑफ ड्रीम इलेवन, और हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से यह टेक्निकल सिवा नंबर वन और फैंटेसी अर्निंग किंग दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वही एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको प्राइम टीम हेड टू हेड स्मॉल लीग की फ्री टीमें देती है। देखो जैसा कि आज ये मॉर्निंग मैच पे फर्स्ट मैच जो हुआ था, टी सिंह, बहुत लोगों ने अट्टापट्टू के साथ वाइस कैप्टनसी दिया, लेकिन मैं भी सैनी के साथ गया। जो भी सैनी के साथ गया था, मैं आपको यहाँ पर सजेशन भी दिया था कि आप यहाँ से ए फकूर के साथ ज़रूर जा सकते हैं, ज़रूर वो यहाँ से अच्छी परफॉर्मेंस देगा। और आपको बताना चाहूँगा कि वो ग्रैंड लीग के टॉप परफॉर्मेंस में से एक रहा है आज। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज के प्रिडिक्शन की ओर। तो फ्रेंड, ये आज का जो प्रिडिक्शन है, फिर से आपको ग्रैंड लीग प्रिडिक्शन मिलने वाली है, तीन ग्रैंड लीग प्रिडिक्शन मिलने वाली है कि कौन सा प्लेयर आप कब और कैसे लेना है, क्यों लेना है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको ग्रैंड लीग की रिस्की टीम ज़रूर सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेज आते थे कि आप अपनी सजेशन ज़रूर दिया करें, क्योंकि वहाँ से एक आध लोगों ने ग्रैंड लीग विन की है, इसलिए अब वो सजेशन मांगने लगे कि आप अपना सजेशन ज़रूर दिया करें। और वो यूज़ करते हैं तो अच्छी विन होती है उनकी, ज़रूर हर मैच तो नहीं जीतते, ग्रैंड लीग है, लेकिन एकाध मैच, यदि 10 में एकाध मैच भी ग्रैंड लीग पर अच्छी रैंक आ गई तो सब वसूल जाता है, प्रॉफिट में ही होते हैं। तो आइए चलते हैं। ठीक है, तो पिच कंडीशन की बात कर लेते हैं। ये काउंट्री ग्राउंड है, ठीक है, सिलमन फोर्ट का, यहाँ पे विकेट वाज नेचुरल पिच है। ठीक है, T20 ब्लास्ट जो हुआ था यहाँ पे, तो 150-170 एक्सपेक्टेड हर मैच पे जा रहा था, और यहाँ पे एवरिंग फर्स्ट स्कोर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इनिंग करता है तो यहाँ पे जीतने के हाई चांसेस होते हैं। एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर देख ले, हाई टोटल जो हुआ था यहाँ पे रिकॉर्ड है, 226 रन 3 विकेट ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड ने हुआ था। ठीक है, तो आप यहीं से आप देख सकते हो कि क्या रन मारता है, मतलब बहुत ही अच्छी बैटिंग पिच है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करने हैं, कैसे चेंजेस करने हैं वो भी मैं आपको सजेशन दूंगा। इसलिए बोलता हूँ ग्रैंड लीग की प्राइम टीम यदि आप बनाना सीखोगे तो इसी चैनल से सीखोगे, और गारंटी है कि विन करोगे। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखते रहें, क्योंकि मैं जो भी टिप देता हूं आपको, ग्रैंड लीग की टिप देता हूं, वो वीडियो के बीच में रहती है। जैसे जैसे वीडियो चलती रहती है वैसे वैसे मैं आपको आगे टिप देता भी रहता हूं। ठीक है, लोवे स्कोर जो आप डिफेंडेड हुआ था 226 रन, ठीक है, तो ये भी डिफेंड 226 रन डिफेंड हुआ था आप देखोगे। और हाईएस्ट स्कोर जो चेस हुआ है इस ग्राउंड पर 17 ओवर पे, तो इंग्लैंड बोमैन न्यूजीलैंड बोमैन के 141 रन 3 विकेट गए थे। तो आप सोच सकते हो यहाँ पे एक हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिल सकता है। अब आपको वो कौन से प्लेयर लेके जाने हैं जो आपको ग्रैंड लीग पे अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है, टीम इंडिया न्यूज़ की बात कर लेते हैं, परफॉर्मेंस लास्ट T20 की, जो कॉन्फिडेंट भी हाई होगा, वंस अगेन एस मंधाना है, सेफाली है, हरमीत कौर है। क्यों होगा, क्योंकि पहला मैच हारी थी, सेकेंड मैच बहुत ही अच्छी वापसी की और जीती। ठीक है, तो एक और यहाँ पे स्पिनर को, कुछ की प्लेयर्स को मैं सपोर्ट करने के लिए बोलूँगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हर्लिन डोयल हैं, मैंने आपको बोला था ये कभी भी बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और ये कभी भी बॉलिंग कर सकती हैं। जिस मैच पे बॉलिंग बैटिंग एक साथ करेंगी, इंडिया पे तो हर मैच पे बॉलिंग भी करती थी एक दो ओवर, और ज़्यादा नहीं लेकिन एक दो ओवर करती थी, वो विकेट ले जाती थी और बैटिंग फॉल डाउन करने आती हैं। हरमीत कौर का जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप रिसेंट परफॉर्मेंस देख लें, एवरेज दिया था ये ODI का T20 में, पहले मैच पे एक, दूसरे मैच पे 31, और ये मैच जैसे कि बैटिंग के लिए बहुत अच्छा है, तो हरमीत कौर भी आज फिर से ग्रैंड लीग की पिक हो सकती हैं। ठीक है, और हर्लिन डोयल को आज आप ग्रैंड लीग पर ज़रूर पिक करिएगा, रिस्की टीम पर क्यों करिएगा, लगातार यहाँ पे फ्लॉप हो रही हैं तो आज इनके चलने के चांसेस बन रहे हैं। तो आज ग्रैंड लीग की जो टिप है वो है हर्लिन डोयल हैं, एच कौर हैं। ठीक है, ये दो रहेंगी इंडिया की तरफ से, और दीप्ति शर्मा को काफ़ी लोग लेके ही जाएंगे तो यहाँ पे टिप नहीं देने वाला। ठीक है, और एक टिप रहेगी जो आपको बता दूँ, राधा यादव और पूनम यादव में से, तो इनमें से दो में से आज जो चलने के चांसेस जिनके बन रहे हैं वो राधा यादव के बन रहे हैं। ठीक है,
तो ये थर्ड टिप हुई आज की। शिखा पांडे हैं, एवरेज होने वाली हैं आज, आपको बता दूं आज एवरेज होने वाली हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। शिखा यादव को काफ़ी लोग लेके जा रहे हैं, और आपको बता दूं ये राइट हैंड मीडियम पेशर बॉलर हैं, और ये कुछ हद तक स्पिनर को सपोर्ट कर रही है पिच। तो यहाँ पे ट्रम्प कार्ड जो होंगे वो राधा यादव या पूनम यादव में से कोई एक हो सकता है, इसलिए शिखा पांडे को आप रिस्क, यहाँ पे रिस्क ही मायने रखता है, जहाँ जब तक आप रिस्क नहीं लोगे ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते। हाँ जरूर 90% वो टीम रिस्क टीम हारती है, 10% ही जीतने के चांसेस रहते हैं। तो यदि आपको रिस्क लेने पे कोई भी दोराय नहीं है तो ज़रूर रिस्क लें, और रिस्क पे ही नाम बनता है। और एक्सपेक्टेड जो डेथ ओवर भी करती हैं दीप्ति शर्मा तो करेंगी ही, और यहाँ पे शिखा पांडे पूनम यादव में से कोई एक करती है, ठीक है। इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप यदि फर्स्ट बॉलिंग आई इंडिया की तो पूनम यादव के साथ जाइएगा, सेकंड बॉलिंग आई तो शिखा पांडे के साथ जाइएगा। तो ये ज़रूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि स्पिनर सेकंड इनिंग पे स्पिनर को और ज़्यादा मदद मिलेगी, और फर्स्ट इनिंग पे थोड़ी शिखा पांडे को जो फास्टर बॉलर है उन्हें मदद मिलेगी, ठीक है। मेन बैट्समैन शेफाली वर्मा, मंधाना, हरमीत कौर, स्पिनर में दीप्ति शर्मा, राधा यादव, पूनम यादव, मेन पेशर पे सिर्फ एक ही हैं शिखा पांडे हैं जो ओपनिंग बॉलिंग करने भी आएंगी। टी भाटिया हैं, एवरेज इनका बहुत ही ख़राब है, ठीक है। एस मंधाना है, रिसेंट परफॉर्मेंस देख लें, पिछले मैच पे 49 रन की पारी खेली। शेफाली वर्मा एवरेज परफॉर्मेंस दिया, लेकिन वर्ल्ड की नंबर वन बैट्समैन है, और इस पिच पे यदि इंडिया की बैटिंग आती है तो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है। ग्रैंड लीग पे आप जरूर कैप्टन दे के जा सकते हैं, ठीक है। फिर आर घोष हैं, एवरेज परफॉर्मेंस है इनकी, 5 इनिंग के बैटिंग आई है तो बहुत अच्छी हैं। आप देखोगे बैटिंग करने कहाँ आती है वो मोस्टली इंपॉर्टेंट रहेगा, T20 है तो बैटिंग मिलने के चांसेस कम है, लेकिन एक अच्छी विकेट कीपर बैट्समैन है ये। हरमीत कौर हैं, विकेट बॉलिंग तो नहीं कर रही रिसेंट परफॉर्मेंस पे, लेकिन यहाँ पे बैटिंग से अच्छे रन मार सकती हैं, ठीक है। दीप्ति शर्मा है, रिसेंट स्कोर तो इतना अच्छा ज़बरदस्त नहीं है, पिछले मैच पे 3 विकेट लिया था, पहले मैच पे, सेकंड मैच पे यहाँ पे फ्लॉप साबित हुई, सॉरी पिछले मैच पे ही अच्छी परफॉर्मेंस की थी, उसके पहले फ्लॉप हुई थी, ठीक है। शिखा पांडे हैं, अपने हरे मैच पे विकेट लेके जाती हैं, पहले मैच पे फ्लॉप चली थी, सेकंड मैच पे फ्लॉप हुई, तो एवरेज परफॉर्मेंस देखे जा सकती हैं। हरलीन डोयल काफ़ी कम लोग जानते हैं इनके बारे में, लेकिन आपको बता दूँ ये बहुत ही अच्छी बैट्समैन है, और जिस दिन चलेंगे एक तरफा मार के जा सकती हैं। एस राणा है, एवरेज परफॉर्मेंस देखे जाएंगी, ठीक है, मत लेके जाइएगा, कोई भी सजेशन नहीं देने वाला। और आपको बता दूँ लास्ट जो डोमेस्टिक का हुआ था मैच सीजन पे, तो टेस्ट ODI सीरीज में टॉप का टॉप पे रही थी ये, तो रिसेंट, लेकिन ये एस राणा जो हैं सिर्फ आपको बता दूँ ये अच्छी परफॉर्मेंस सिर्फ टेस्ट पे करती हैं, ODI और T20 अभी तक ये अच्छा असर नहीं दिखा पाई हैं। पूनम यादव एक अच्छी ऑप्शन रहेंगी, दे सकते हैं 68 मैचेस पे 95 विकेट, और लगभग अपने रिसेंट परफॉर्मेंस को छोड़ दें तो यहाँ पे आप देखोगे लास्ट परफॉर्मेंस छोड़ दिया जाए तो रिसेंट परफॉर्मेंस इनकी 3 मैच पे 4 विकेट लेके रही हैं। राधा यादव भी बहुत अच्छी हैं, अपने हर एक मैच पे विकेट लेके जाती हैं, इसलिए मैं आपको रेफ़र करता हूँ राधा यादव, आप पूनम यादव से ज़्यादा बेटर हैं और ज़्यादा अच्छी किफ़ायती बॉलिंग भी कर लेती हैं, ठीक है। अब आपके पास पूजा वास्तकार हैं, एवरेज परफॉर्मेंस देखे जाती हैं, ठीक है, अब बाकी बात नहीं करते हैं। इंग्लैंड वोमेन की बात करते हैं, यहाँ पे टी बेव माउंट है, पहले मैच पे 18 सेकंड इनिंग पे 59 रन की पारी खेली। डेनियल ब्रैट है, रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त है, इसलिए इनके साथ फिर से जाएगा, और यदि इंग्लैंड बैटिंग करने आती है तो अच्छी परफॉर्मेंस भी दे सकती हैं। एस के नाइट हैं, आप देख सकते हो एवरेज परफॉर्मेंस देके जा रही हैं, और फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आएंगी, और सेकंड डाउन जो बैटिंग करने आएगी ग्रैंड लीग पे आप जरूर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देके जरूर जाइएगा। एज डंगली हैं, आपको बता दूँ डोमेस्टिक की टॉप परफॉर्मेंस में से एक हैं ये एज डंगली, ठीक है। आप ODI पे भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन T20 पे इनके बैटिंग नहीं आती, और T20 लायक भी ये बैट्समैन नहीं है। केट ब्रेंट हैं, एवरेज परफॉर्मेंस है आप देख सकते हो, बॉलिंग भी ज़्यादा नहीं करती, इसलिए मैं इन्हें सजेशन दूंगा कि केट ब्रंट को जो भी लेके जा रहा है वो बेवकूफ़ी कर रहा है, क्यों कर रहा है वो आपको बता दूंगा, क्योंकि इंग्लैंड के पास काफ़ी बॉलर हैं, और केट ब्रंट यदि ओवर भी करेंगी तो 1 या 2 ओवर ही करेंगी, क्योंकि इनके पास एस ग्लेन, एलेस्टोन, फ्रेया डेविस, एम विलर
और फिर यहाँ पे एन स्काइवन है, तो ये पांच है, ये छठवीं बॉलर हो जाती हैं, इसलिए इनके एक आध ओवर ही मिलने के चांसेस रहेंगे। एम मिलर का ओवर मिल सकता है इन्हें, ठीक है, जो एवरेज रहती हैं, हमेशा से बॉलिंग निकाल के देती हैं। और आपको बता दूँ, एलिस्टोन अपने अभी T20 में एक भी विकेट नहीं पाई हैं, ठीक है, बॉलिंग बैटिंग की है लेकिन विकेट ले रही हैं। तो आज ग्रैंड लीग पे आप ज़रूर वाइस कैप्टनसी दीजिएगा, शायद हो कि आज ये बहुत कम लोग लेके जाएंगे और शायद कि आज ये अच्छा पिक हो आपके लिए। डेथ ओवर पे केट ब्रन और एस एलिस्टोन करती हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा था एलिस्टोन ही हैं जो आपको, केट ब्रंट हैं, सॉरी केट ब्रंट है जो परफॉर्मेंस करती हैं, लेकिन ये विकेट लेस रहती हैं, आपको बता दूँ विकेट लेस रहती हैं। ये 19वां ओवर करेंगी और 20वां ओवर एलिस्टोन के साथ जाएगा, ठीक है। मेन बैटर पे टी बेवमाउंट है, एच के नाइट है, स्काइवर हैं, और एस एलिस्टोन जो हैं टॉप स्पिनर ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट एंड एस ग्लेन। तो एस ग्लेन को जो केट ब्रंट और एस ग्लेन में किसी एक को चूज़ करना होगा तो जो अच्छी बॉलर हैं मैं उनके साथ जाऊंगा, एस ग्लेन में जरूर ग्रैंड लीग पे आप लेके जा सकते हो केट ब्रंट के साथ, ठीक है। एक रिस्की पिक रहेंगी आज के परफॉर्मेंस पे, ए जोन्स हैं, आप परफॉर्मेंस लास्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी है ग्रैंड लीग पे, आज इन्हें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी जरूर दीजिएगा। मेरा मानना है कि आज ये अच्छी परफॉर्मेंस देके फिर से जाएंगी और ग्रैंड लीग आज विन करवा सकती हैं। एफ विल्सन है, रिसेंट परफॉर्मेंस देख लें, डेनियल वैट हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। 28-45 चार रन की पारी है, उसके पहले आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त है, तो मैं इनके साथ आज फिर से जाने वाला हूँ, ठीक है। बहुत कम लोग लेके जाएंगे आज इन्हें। एस के नाइट है, रिसेंट परफॉर्मेंस देख लें, ठीक है, इस इनिंग पे एक एवरेज रह सकती हैं। एन स्काइवर हैं, ऑल टाइम की हिट प्लेयर मानी जाएंगी। एलिस्टोन है, एवरेज से ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की है लेकिन अभी दो मैच पे T20 पे विकेट लेस नहीं, लेकिन उसके पहले आप देख सकते हो 3-3-2 3-3-2 विकेट लेके गई, मतलब हर एक मैच पे 3 विकेट 2 मिनट एवरेज जो निकल के आ रहा है वो 2 विकेट का निकल के आ रहा है अभी भी। लास्ट के 10 मैच की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। एस ग्लेन है, बहुत अच्छी बेस्ट बॉलर हैं ये और अपने हर मैच पे विकेट जरूर लेके जाती हैं। और यहाँ पे बात करते हैं केट ब्रन, रिसेंट परफॉर्मेंस विकेट लेस रही हैं लेकिन उसके पहले परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। और यहाँ पे यदि मैं बोलना चाहूँगा कि एस ग्लेन केट ब्रन से जो अच्छी हैं तो वो एस ग्लेन ज़्यादा अच्छी मानी जाएंगी, ठीक है। और एफ डेविस है, 11 इनिंग पे 13 विकेट, टेप फेरेंट है 15 इनिंग पे 11, और मैरी विलर है 10 इनिंग पे 11 विकेट, रिसेंट परफॉर्मेंस 1 विकेट पाई है। एम विलर के साथ आज मत जाइएगा, ये मैं आपको सजेशन दूंगा। तो आइए चलते हैं अब ग्रैंड लीग की टीम बताते हैं। तो ग्रैंड लीग पे आप जरूर जीत सकते हैं 15 लाख रुपए, और यह जो भी एंट्री नहीं लिया है तो आपको बता दूँ जितनी टीम हो सके आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करिएगा। ग्रैंड लीग आज आप विन कर सकते हो क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं, जो आपको अभी मैं 3 टीम एंट्री लेके दिखाने वाला हूँ। पहली टीम जो हमारे रहने वाली है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आप उनके साथ जा सकते हैं। जो आप एन स्काइवर द मेन कैप्टनसी हमारे रहने वाली हैं, ठीक है, कैप्टन चॉइस बहुत अच्छी रहने वाली हैं ये, और इन्हें आप जरूर कैप्टन के लिए जरूर लेके चलिएगा। क्यों लेके चलिएगा, उनका परफॉर्मेंस बता देते हैं। पहली ए जोन्स रहने वाली हैं, आर्ट घोष भी अच्छी ऑप्शन रहेंगी एक ग्रैंड लीग पे, ठीक है, आप चाहो तो लेके जा सकते हो। एमी जोन्स की जगह आर्ट घोष भी एक अच्छी ऑप्शन रहेंगी। ये कब रहेंगी, जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करने उतरेगी तो आर्ट घोष एक अच्छी ऑप्शन रहेंगी, सॉरी सेकंड बैटिंग, जब इंडिया सेकंड बैटिंग करने उतरेंगी तब एमी जोन्स के साथ मत जाइएगा, आर घोष के साथ चले जाइएगा। एक ग्रैंड लीग की पिक बता रहा हूँ, यहाँ पे एस मंधाना, टी बेवमाउंट, डेनियल वैट, एस वर्मा है, यहाँ पे एन स्काइवर एस्कॉट केट ब्रंट को लिया हुआ है, यहाँ पे एलिस्टोन पूनम यादव, एस ग्लेन्स और यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है, कैप्टन टी बेवमाउंट को, वाइस कैप्टन है स्काइबर। ये मैं ये टीम इसलिए बनाया हूँ कि मैं मान रहा हूँ कि पहली टीम जो हमारी रहेगी वो हमारे ओपनिंग बल्लेबाजी करने इंग्लैंड आएगी, वहाँ पे ये बहुत ही अच्छी 50+ की पारी खेलने वाली हैं। तो ऐसे कुछ आप अपने दिमाग में लेके चलें और उसके अकॉर्डिंग अपनी टीम चेंज कर सकते हैं। यदि पहली बैटिंग आती है तो शेफाली वर्मा को ग्रैंड लीग पे कैप्टन रखिएगा। आपको बता दूं शेफाली वर्मा को या स्मृति मंधाना को, दो में से किसी एक को ग्रैंड लीग पे कैप्टन रखिएगा, जैसे कि ये सेकंड पारी कुछ ऐसे हो सकती है, तो आप मंधाना को कैप्टन रख दीजिएगा, वाइस कैप्टन एन स्काइबर्ड को रखिएगा, ठीक है। थर्ड टीम जो रहने वाली है, यहाँ पे थर्ड टीम सजेशन दूंगा फिर मैं केट ब्रंट के साथ,
जो थर्ड टीम में सजेशन देने वाला हूँ यहाँ पे एस ग्लेन केटवर्न राधा यादव, सॉरी राधा यादव को मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। और जो नेक्स्ट फोर्थ टीम जो हमारी बनेगी वहाँ पे मैं सजेशन दूंगा एस ग्लेन की जगह आप चाहें तो केटवर्न के साथ जा सकते हो। एक ये टीम रहने वाली है यहाँ पे, फिर से मैं इंडिया को जिताने के बारे में सोचूंगा तो मेरी जो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी रहेगी दीप्ति शर्मा हमारे वाइस कैप्टन की ऑप्शन रहेंगे, और एक एवरेज काफ़ी लोग लेके जाए हैं तो एवरेज टीम हमारी ये रहने वाली है। तो फोर ग्रैंड लीग की प्राइम टीम आपको मिल गई, पहली ये लास्ट की फोर प्राइम टीम है जो आपको ग्रैंड लीग विन करवा सकती है। पूनम यादव, सॉरी पूनम यादव को ग्रैंड लीग पे कैप्टन नहीं, एक कैप्टन जो देना है एन स्काइवर को ही देना है, और वाइस कैप्टन दीप्ति शर्मा के साथ चले जाना है। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और आपको प्राइम टीम की हेड टू हेड स्मॉल लीग की टीम वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन पे जाके जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक फ्रेंड, गुड लक।